यूपीएससी क्लासेस आर डिस्ट्रॉइंग यूथ्स। जितने भी हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर देखते हैं कि जॉब हो तो आईएएस की हो, आईपीएस की हो, वरना ना हो, ये सुनकर काफी इनोसेंट स्टूडेंट जो रहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट भी जो रहते हैं, वो यूपीएससी देने को चले जाते हैं। तो मैं डेली कंसल्टेंशन में ऐसा देखता हूँ कि जो आईआईटीएंस है जिन्हें बहुत अच्छे पैकेज लग चुके हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स है, सीए है, वो भी ऐसे चीजें सुन के इंस्पायर हो जाते हैं और यूपीएससी देने को चले जाते हैं। यूपीएससी कितने कम लोगों को जॉब दे सकती है, आईएएस आईपीएस कितने परसेंट लोग आज इंडिया में बन सकते हैं, तो उतने ही कम परसेंट राजयोग आपके होरोस्कोप में होना चाहिए। मान के चलिए कि 3% लोग जो पूरा यूपीएससी दे रहे हैं वो आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, तो उतने ही रेयर राजयोग आपके होरोस्कोप में अवेलेबल रहना चाहिए, तो ही आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। दोस्तों, यूपीएससी में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट भी यूपीएससी को क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी सूर्य की स्थिति बहुत वीक होती है। अगर आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपके 9th, 10th और 11th हाउस में सूर्य का रहना कंपलसरी है। आपके कुंडली में जो लग्नेश होता है, यानी कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, उसका स्ट्रांग रहना जरूरी है। और इतना सब कुछ होने के बाद जब आप यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हो, उस टाइम पे जो आपके लकी प्लैनेट्स हैं उनकी दशा चालू हो, ये भी जरूरी है।